हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सुशांत सिंह। सेक्टर 3 में आग लगी है। देखिए, सूचना मौके पर जो है पुलिस मौके पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए दमकल विभाग की जो गाड़ी है वो भी मौके पर मौजूद है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो आग बुझाने के लिए यहाँ पर मौके पर पहुंचे। ये देखिए तिजोरी में भी और संदूक में भी देखिए आग लग चुकी है और यहाँ पर देखिए तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौके पर मौजूद। देखिए यहाँ पर पानी, अभी फायर ब्रिगेड थोड़ी देर पहले आई है परंतु पानी बाल्टी के सहारे यहाँ पर देखिए बाल्टी के सहारे आग को बुझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। भाई साहब कैसे लगी आग? भाई पता नहीं, हम तो ऑफिस गए हुए थे, मकान बंद था। ये आपका मकान है? नहीं, हमारा नहीं, किराएदार रहते हैं, मैं तो ऊपर रहता हूँ। तो मुझे पड़ोसी ने बताया कि आग लगी, तब मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी बात कैसे लगी? कोई दिया बता रहे थे कि दिया से कुछ बंद था मकान सारा, कुछ नहीं, सब कुछ बंद था। तो क्या क्या जल गया भाई साहब? सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब जल गया। कितने फैमिली रहती है, कितने लोग रहते हैं? दो लोग रहते हैं। मां बेटी रहती, दोनों जॉब करती हैं जी। बस वही थी, सुबह टू जॉब पे गई है। कुछ भी नहीं, जितनी मदद हो सके तो करा देना। कितने समय पहले आग लगी थी? कितने समय पहले पता नहीं चला, अभी तो लगभग एक घंटा हो लिया लगभग, लेकिन जब पता चला जब तक काफी तेज आग हो चुकी थी। तो काफी तेज आग हो चुकी, वो तो गेट में तोड़ ताड़ के घुसे अंदर। अभी आग लगी हुई है, बुझ गई है? अब तो बुझा दी, बुझ गई है बिल्कुल। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए तमाम यहाँ पर भीड़ है और पुलिस बल यहाँ पर मौके पर पहुंचा है। और देखिए यहाँ पर देखिए संदूक जो है खोलने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। संदूक जो है आगे की आ रही, आइए आप ये देखिए संदूक खोलने का प्रयास। प्रधान जी कैसे लगी थी जी आग? भाई जी भी तो आग का ऐसा कि अभी तो ये नहीं पता चल आग लगी कैसे। मेरे पास दो तीन पड़ोसियों का फोन कहा कि जी हम मकान का ताला तोड़ देते, इसमें आग लग गई है। मैंने कहा इसमें वेट मत करो, आप लोग ताला तोड़ दो, तो किसी और घर को नुकसान होगा, इनका तो भाई काफ़ी नुकसान हुआ है। अरे सभी पड़ोसियों ने इसमें हेल्प करी है, पुलिस प्रशासन ने हेल्प करी है, फायर ब्रिगेड ने हेल्प करी है, तब जा करके ये आग काबू पाई गई है। लोगों की बड़ी मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और अभी इसका कारण तो पता चला नहीं। कारण देखेंगे अभी क्या हुआ, क्या रिपेयर, हमारा फर्ज था इसका बचाव करने का, वो हमने बचाव किया। भाई यहाँ पर तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप और अंदर की ओर देखिए दमकल विभाग के कर्मचारी अंदर की ओर हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं और यहाँ पर 36 गज में सूचना मिली थी। यहाँ पर देखिए दमकल विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर हैं और अभी भी थोड़ी बहुत आग लगी हुई जिसको बुझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तस्वीरें और बाहर की ओर चलेंगे। ये देखिए बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, आग की सूचना मिलते ही लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे और बाल्टी से लेकर और मग्घा तक जो भी हाथ पड़ा वो लेकर यहाँ पर पहुँच गए और आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग काफ़ी ज़्यादा थी तो समय रहते नहीं बुझ पाई। अरे इतनी तेज आग लगी है, बहुत ज़्यादा। जी कितनी तेज आग लगी? बहुत ज़्यादा, मतलब घर से बाहर निकल रही है, जीना में से, खिड़कियों में से, और पूरा मोहल्ला, पूरा किसी के कोई अंडर में नहीं आई है हवा। अच्छा। इतनी आग लगी है, बहुत ज्यादा सादा, सब लोग घबरा गए, बहुत तेज, बहुत ज्यादा। बुझाने का प्रयास नहीं किया गया? प्रयास करा, घरों से बाल्टी पाइप सब कुछ इंतजाम किया है। अब आई है ये जी, अभी आई है जी। हाँ अभी आई है बस, तो बहुत देर पहले नहीं, क्या नहीं, नहीं आई बहुत देर पहले, ये अभी आई है, कोई 10-15 मिनट आए हैं, 10 मिनट भी नहीं हुए आए। मकान किसका है? ये मकान है, किराए पे रहते हैं बेचारे, गरीब आदमी है, दोनों माँ बेटी है, बताओ कहाँ से कौन कहा करेगा, पड़ोसी क्या करेंगे? पड़ोसी तो यही कह सकते हैं कि हमने आग बगाई, ये करी वो करा है। जी, कैसा है? नहीं इतनी देर में ना पुलिस से वो किया और वो गाड़ी नहीं आई, तो बताओ ये सारा ही जल जाता और जल ही रहा उसका सारा, उसका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जल तो रहा है। हाँ जल तो रहा है, सारा ही जल गया, सारा कुछ राख हो गया जल के, कुछ नहीं रहा, क्या कुछ भी नहीं रहा है उसके बेचारे का बेटा है, ना उसके हस्बैंड है, दोनों माँ बेटी हैं, दोनों माँ बेटी हैं। अच्छा माँ बेटी है। हाँ अच्छा, आपको कारणों का पता नहीं लगा कैसे? कारणों का हमें पता नहीं है क्या है, कोई बता दो दिए से लगी है। अब तो वो अभी ये तो क्या हुआ, अभी आया नहीं है, ड्यूटी गएंगे, जब पता लगेगा सर क्या हुआ, क्या हुआ है। अच्छा अच्छा, तो घर पे कोई नहीं था? हाँ घर पे कोई नहीं था। अच्छा घर पे नहीं था, घर भी कोई भी नहीं था, दोनों मम्मी और बेटी है, ना पति है ना बेटा है, कोई भी नहीं है। अब कोई कमाने वाला नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, बहुत गरीब है दोनों माँ बेटी, अब कहाँ से क्या करेगा कौन, पड़ोसी भी क्या करें, पड़ोसी। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुँची है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखिए मौके पर पहुँच गया है और थोड़ी दूरी पर जो है पुलिस चौकी है। और भाई साहब कैसे आग लगी थी?
भाई साहब अभी नहीं पता चला इस बारे में। मकान मालिक कौन है यहाँ पे? मकान मालिक ये खड़े सामने। अच्छा, कोई रह रहा था यहाँ पे? कोई नहीं, नहीं बाहर से लॉक लग रहा था इसका। बाहर से लॉक लग रहा था, कहाँ गए थे लोग? ये अपना सुबह खाना पीना करके अपने ड्यूटी पे चले गए थे। ड्यूटी पे चले गए थे। अच्छा, कुछ कितना सामान बचा है, कितनी आग लगी है कुछ? अभी इनकी जो कपड़े वगैरह हैं, बेड में कपड़े हैं, वो जल गए हैं। किचन इनके अभी सेफ है। अच्छा, कोई बता था दिया जलाकर चले गए थे कुछ? अभी तो ये आगे पता चलेगा जी। अच्छा, आगे पता लगेगा। तो आग पर काबू पा लिया है पूरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरह से। और यहाँ पर देखिए, लोगों की भीड़ जो है काफ़ी लगी हुई है। और लोग देखिए, जो इस मकान में रहते थे वो ऑफिस गए थे, जॉब के लिए गए थे, अभी तक नहीं लौटे हैं। और ये देखिए, फिलहाल देखिए दमकल विभाग के कर्मचारी अभी भी देखिए आग को बुझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आपके दमकल विभाग के कर्मचारी। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग जो है बाल्टी मग्घा लेकर पहुँचे, पाइप लेकर पहुँचे, परंतु फिर भी आग जो है नहीं बुझी। तो यहाँ पर देखिए अभी भी दमकल विभाग के कर्मचारी जो है देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं। और लोगों से भी जानेंगे कि कैसे जो है आग लगी थी जी। जी भैया, नहीं ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर सिलेंडर फट गया। क्या क्या ये देखिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं। और ईआरवी की जो गाड़ी है वो भी मौके पर पहुंची है। ये देखिए, देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं मौके पर। कौन सा हाउस नंबर था भाई साहब कि जिसमें आग लगी थी? हाउस नंबर कौन सा था? हाउस नंबर में आग लगी। हाउस नंबर कितना है वो? 611। हाउस नंबर कितना? 613। पढ़ रहे हैं आगे, तो ये 15 में आग लगी थी। 115 में आग लगी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 115 में सेक्टर 3 में आग लगी थी, जो कि तक्षला स्कूल के पास है। और फिलहाल देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची है और दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।